नमस्कार। आज का ये वीडियो वेस्टर्न कोल फील्ड्स के लिए है। देखिए, वैसे तो वेस्टर्न कोल फील्ड WCL की जो आंसर की आई है, सबसे रोस्ट आंसर की है। यानी कि काफ़ी क्वेश्चंस गलत हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बहुत ही ज़्यादा, जिनका आंसर उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से, पता नहीं कौन सी बुक पढ़ते हैं वो, उस आंसर की को देख कर ना कुछ भाइयों का हाल तो बहुत ही दुखद भरा है। कुछ भाइयों का हाल तो कुछ इस तरह से है, क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, जिनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मार्क्स गलत हो गए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन के मार्क्स बिल्कुल गलत हो गए। और कुछ भाइयों का हाल तो बिल्कुल ही खुशी से है, क्योंकि जिन्होंने गलती से उन क्वेश्चन को गलत कर दिया था, उनके वो सही हो गए। उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, अभी बात करेंगे इस वीडियो में उस क्वेश्चनों की, कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन सी साइड पर आप मेल डालें और क्या करें। देखिए, इसने एक तो आंसर की डाल दिए, वो भी उसमें 8 से 10 क्वेश्चन गलत आंसर डालें। दूसरा, इन्हें ऑब्जेक्शन नहीं मांगा है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी की आंसर की। सबसे बड़ी बात है, एक तो एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की पहल है, दूसरी तरफ ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं। ऑफलाइन अगर हो भी रहा है तो फिर पेपर में ऐसा क्या कि कोई पेपर के जब आपने देखा तो कोई भी सील नहीं लगी हुई थी पेपर की। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी सील नहीं लगी हुई थी। और WCL अपनी सिटी में एग्जाम करा रहा है कंडक्ट, क्या उसको अदर सिटी पर भरोसा नहीं है? अगर हो या नहीं हो, हमें इस बात से कुछ नहीं लेना देना। बात ये थी, अगर हमने पेपर दिया तो उसका आंसर की तो सही होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो ऑब्जेक्शन तो मांगे, कम से कम हम बुक से दिखाएं। पता नहीं वो कौन सी बुक पढ़ते हैं, किस प्रकार की बुक पढ़ते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं, जो उसके डायरेक्टर्स या जिन्होंने भी वो पेपर बनवाया था या बनाया था। तो उन क्वेश्चन की बात करेंगे, उनके मैं आपको रेशनल दूंगा कि किस प्रकार से उनको आंसर सही है और किस प्रकार से आप उनको सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उनकी बात करते हैं, पर उससे पहले देखिए, अगर आप लोग ने ये WCL का दिया हो या नहीं दिया हो, क्योंकि नर्सिंग के, अब आप भी नर्सिंग के हो, आप भी मेल कर सकते हो अपने भाइयों की तरफ से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि WCL वाले ही देखें, कोई अदर भी पर्सन भी कर सकता है, क्योंकि किसी के साथ भी फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है। बात यह है कि ऐसा क्यों होता है कि वो ऐसे आंसर्स क्यों डाल देते हैं। देखिए, GMCH में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने पूछा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल में किस वार के दौरान मदद की थी, वो था क्रीमियन वार, लेकिन उसने सिविल वार माना आंसर उसका। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी उसने सिविल वार माना, उसने गलत माना। फिर दूसरा क्वेश्चन, डेंगू किसके कारण से फैलता है ना, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है डेंगू, तो सबको पता है, एक नॉर्मल बच्चा बता देगा एडिस एजेप्टी होता है, लेकिन उसका आंसर उसने कुलैक्स माना। और मेरे तो एक दोस्त का आंसर भी उसने कुलैक्स ही किया अगले एग्जाम में, वो भी गलत हो गया, NCL में पूछा था वो गलत कराया, क्योंकि इनका ये आपके कंसेप्ट को ख़राब कर रहे हैं। आप किसी बड़े एग्जाम को कर रहे हो, अगर इनके एग्जाम की तरफ सोचें तो ये आपके कंसेप्ट को बिल्कुल ही ख़राब कर रहे हैं। आपके कंसेप्ट यानी कि आपको एक डिफरेंट लेवल का एग्जाम देते हैं, पहले तो पेपर इजी लेवल का होता है, फिर अगर आप हम क्योंकि हम नॉर्मल चीज़ों को छोड़ देते हैं तो ये हमारे कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते। फिर आपको इसके बाद आपको आपको क्या करना है, देखिए, आपको WCL की साइट खोलनी है, वेस्टर्न कोल फील्ड की। वेस्टर्न कोल फील्ड की साइट में जाना है, अबाउट अस पर। अबाउट अस पर जाने के बाद आपको जाना है वहाँ पर, श्री राजीव रंजन मिश्रा का, डायरेक्टर जो कि वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर के, उनका नंबर लिखा हुआ है, आप उनको कॉल कीजिए। अगर आपको कॉल अटेंड नहीं कर पा, कॉल तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मेल आईडी डाल सकते हैं उनकी, मेल कर सकते हैं उनकी आईडी पर। आप मेल करती रहिए तब तक जब तक कि आपको रिप्लाई ना दे, किसी और की आईडी से मेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, या फिर RTI सेक्शन में जाकर आप लेबर और मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उसमें जाकर आप WCL पर RTI लगा सकते हैं। RTI की फ़ीस अगर जो BPL से अलग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 रुपये, और BPL और BPL वालों के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। RTI आप कितनी भी लगा सकते हैं, और RTI का रिप्लाई वो आपको 1 मंथ के अंदर करते हैं, वो आपको 15 दिनों 10 दिन के अंदर आप RTI का रिप्लाई कर देते हैं। देखिए, अब बात करते हैं किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। मेरा ये वीडियो जरूर देखते रहिए आप, क्योंकि आपको आ गया भी थोड़ा सा अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं यहाँ क्वेश्चनों से। तो पहला क्वेश्चन ये था, फॉर एनजी ट्यूब द लेंथ ऑफ नेजोगेस्टिक ट्यूब शुड बी मेजर फॉर नोज टू स्टर्नम, नोज टू अम्बिलिकस, नोज टू द ट्रेगस ऑफ द ईयर प्लस नोज टू अम्बिलिकस, नोज टू द ट्रेगस एंड ट्रेगस टू द अम्बिलिकस। राइट आंसर तो डी होना चाहिए, क्योंकि हम नोज टू ट्रेगस लेते हैं और ट्रेगस से फिर हम G4 प्रोसेस तक जाते हैं, लेकिन इसने अम्बिलिकस दिया हुआ है। अब मैंने किसी के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा था कि सी भी सही है, क्योंकि हम अम्बिलिकस तक उसकी लेंथ देख रहे हैं कि G4 से, क्योंकि नोज से अम्बिलिकस देख रहे हैं, बाकी पता नहीं क्यों गलत माना, किस बुक को पढ़ रहे हैं ये। नेक्स्ट है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ LBW, LBW बेबी है, लो बर्थ वेट है। तो देखिए, जब लो बर्थ बेबी होता है ना, वो प्री टर्म में होता है, ज़्यादा चांस होने का जो भी LBW होगा प्री टर्म ही होगा वो, और प्री टर्म को सबसे पहला चांस होता है पेरिनेटल एस्फाइक्सिया का, यानी कि जन्म के दौरान जब उसका जन्म होता है तो उसकी 20 सेकेंड तक उसका रेस्पायरेशन शुरू नहीं हो पाता है। पहला था इसका IUD, सेकेंड था इसका पेरिनेटल एस्फाइक्सिया, थर्ड था सी पल्मोनरी हेमरेज, और डी सेंसरी न्यूरल हेमरेज। देखिए, इसका मैं आपको रेशनल दिखाता हूँ, इसका रेशनल ये है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ रोस टेस्ट, इसने भी इसका आंसर माना है कि लो ऑक्सीजन लेवल होता है बर्थ के टाइम पर, तो पेरिनेटल हाइपोक्सिया यानी कि पेरिनेटल एस्फाइक्सिया होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होती है।
पर पता नहीं क्यों मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्योनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए हाइपोग्लाइसमिया इसलिए होगा क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाता है। जब प्रेगनेंसी बाद अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है तो ग्लूकोज कम जाता है और इंसुलिन ज़्यादा, इसलिए हाइपोग्लाइसिमिया होगा। पैराथायराइड अनमेच्योर होती है, हाइपोकैल्शियम हो जाता है। और हाइपरबिलिरुबिनेमिया इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी 6 से 8 मिलियन होती है और डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हाइपरग्लाइसिमिया नहीं होगा। लेकिन आंसर माना है हाइपरबिलिरुबिनेमिया, गलत आंसर माना है। आप जाकर जरूर इस पर BRT लगाएं। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग मे बी सीन इन नियोनेट सस्पेक्टेड ऑफ इन हैविंग एन इन्फेक्शन। फ्लस्टिक, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज एक्टिविटी। देखिए टेम्परेचर बढ़ता है, जब भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ता है। हमारी WBC जब कोई हरकत करती है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको टारगेट हाई में पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देने वाला है, क्योंकि विच ऑफ दिस नॉट एन इंस्ट्रक्शन फॉर डिसफेजिया। आपको टारगेट हाई बुक में ये क्वेश्चन सीधा मिल जाएगा, जिसका आंसर उसने बेरियम सोलो दे रखा है। उसने कह रहा कि बेरियम सोलो हम नहीं करते, लेकिन गलत आंसर है इसमें कोलोनोस्कोपी, इसका आंसर उसने सही माना है, ये क्वेश्चन सही माना है। क्योंकि अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इसोफेगियल डिसफेजिया इज मोस्ट वेल्युएबल इन्वेस्टिगेशन इज, इसमें क्या होता है, बेरियम सोलो करते हैं स्टडी के लिए, एंडोस्कोपी भी करेंगे और इसोफेजियल मैनोमेट्री है। मैनोमेट्री क्या होता है, इसोफेगस की मोटाइल को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, इसलिए कोलोनोस्कोपी नहीं करते क्योंकि कोलन का पार्ट एक अलग ही होता है, तो डिस्पेजिया के लिए हम कोलोनोस्कोपी नहीं करते। उसने सही माना, पर टारगेट हाई में आप पढ़ते हैं तो गलत आंसर होगा आपका टारगेट हाई। देखिए ये क्वेश्चन तो मेरा भी गलत है, बहुत भाइयों को गलत है, क्योंकि पैडमैन, हमने तो पैडमैन का नाम अक्षय कुमार है, यानी कि पैडमैन मूवी देखी जिसने भी, वो तो अक्षय कुमार ही करेगा। पैडमैन का नाम एसोसिएटेड किया है अक्षय कुमार के साथ, लेकिन असलियत में जो अरुणाचलम मुर्गन थे, मुर्गन थे ये तमिलनाडु के, इन्होंने 850 डॉलर में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था अपनी वाइफ के ऊपर, और जो कि विदेशों में 50,000 डॉलर के ऊपर प्रोजेक्ट था, इसने उस प्रोजेक्ट को 950 डॉलर में स्टार्ट किया था। बात करते हैं UNI, यू है ना, UNI क्या, अब देखिए हमारा UNI जो दिल्ली सेक्रेटरी मार्च से 10 दिसंबर को जो रैली निकाली जाएगी, तो उसके संबंध में आप UNI के साथ जुड़िए और दिल्ली सेक्रेटरीट पहुँचिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि UNI के साथ रहें, है ना। यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन आपके लिए बहुत कुछ करता है, आप भी उसके साथ रहें, समय निकालें, मैं भी जाऊँगा और आप भी जाइए UNI के लिए 10 दिसंबर को, अपने सापने साथ जरूर पहुंचिए। अब बात करते हैं WCL में। देखिए आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर्स और जी मेल आईडीज मिलेंगी, लेकिन आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको सीधा मेल करना है श्री राजीव रंजन मिश्रा को। उनकी ईमेल आईडी आपके नीचे दी हुई है, मेरी आईडी से आप मेल कर सकते हैं उनको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेल कीजिए अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्शन मांगे जरूर। मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर द सीइंग एंड शेयर कीजिए इसको।